अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय सोशल स्टडीज लेक्चर्स आई एम योर लेक्चरर मिधत अब्बास कैसे हैं आप सब कैसा गुजरा हफ्ता हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में पैलेस्टीन की क्या कंडीशन थी और उसके बाद हमने फिर गल्फ रीजन को एक्सप्लोर किया था आइए आगे चल के देखते हैं कि इंटरनेशनल हालात कैसे थे कहा छोड़ा था हमने याद है आपको हमने गल्फ रीजन पे छोड़ा था जहां हम एक वॉर डिस्कस कर रहे थे बिटवीन इराक एंड ईरान टाइम गुजरता रहा एक दफा फिर हम देखते हैं कि इन दोनों कंट्रीज की इराक और ईरान की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है आप जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं यू आर नाउ वेरी क्लियर अबाउट देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन लेट्स कंटिन्यू विद गल्फ वॉर गल्फ रीजन पिछले लेक्चर से आपको याद होगा 1990 में सदाम हुसैन ने कवेत को इन्वेड कर दिया जब उसने इन्वेड किया लैंड पावर उसके दिमाग में यह था कि कॉन्कर मोर लैंड फॉर अरब फॉर मुस्लिम बट शायद तरीका सही नहीं था वॉट हैपन वॉज कि उसके इस हमले पे, अरब कंट्रीज दे गॉट एंगर्ड उनको गुस्सा आ गया क्योंकि उनकी एक और अरब स्टेट के ऊपर इस तरह वॉर की जा रही थी दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस वॉज वार्निंग इराक टू विदड्रॉ बट डिस्पाइट द वार्निंग्स इन वार्निंग्स के बावजूद जो सदाम हुसैन है वो वहां से अपनी फोर्सेज विदड्रॉ नहीं कर रहा था बल्कि उसने कवियत के ऊपर अपनी ग्रिप और टाइट कर दी इन वार्निंग्स के बाद क्या हुआ कि नाइनटीन नाइन्टी वन में यूएसए यू के और फ्रांस ने इराक को अटैक कर दिया जब उन्होंने अटैक किया तो वहां की आर्मी सिंपल ह्यूमन आर्मी इतनी मशीनरी का सामना सही तरह नहीं कर पाई जब सामना नहीं कर पाई तो नतीजे के तौर पे वो हार गए जब वो लोग हार गए तो इराकी पीपल सदाम हुसैन सरेंडर्ड क्योंकि जब इतनी किलिंग्स हुई तो सदाम हुसैन को अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी ही हैड ऑल्सो अटैक इन द नॉर्थ यूजिंग केमिकल वेपन अब इसी अरसे में सदाम हुसैन ने कविद पे जब उसने अटैक किया तो उसने कुर्द जो कि नॉर्थ में थे उनके ऊपर भी अटैक लॉन्च कर दिया यूजिंग केमिकल वेपन अब जब उसने ये सब किया तो स्पेक्यूलेशन होने लगी अफवाहें उड़ने लगी कि इनके पास सदाम हुसैन वगैरह के पास न्यूक्लियर वेपन है केमिकल वेपन है जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक बात साबित हो सकती है क्योंकि एक वॉर तो ये स्टार्ट हो चुकी है अगर ये बात बढ़ती गई तो उससे बाकी मुल्क भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे वर्ल्ड वॉर्स के बाद न्यूक्लियर वेपन के यूजेज के ऊपर बहुत लोगों में अवेयरनेस फैल चुकी थी एंड दे न्यू कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो डिस्ट्रक्शन बहुत मैस लेवल पे होगी और अल्टीमेटली एट द एंड नुकसान किसको उठाना पड़ेगा आम आदमी को सो व्हाट हैपन कि यूएन को जब इस तरह की चीजों का पता लगा तो ऑब्वियसली हैड देयर रिस्पांसिबिलिटी उन लोगों ने उस जगह को सर्च किया सदाम हुसैन के सर, uh, सरेंडर करने के बाद दे सर्च द हिडन न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन एंड इम्पोज हार्ड सेंक्शंस यू एन ने जब सर्च करने की कोशिश की तो उसके रिजल्ट में जब ऐसी चीजें वहां से निकली तो उन लोगों ने हार्ड सैक्शन सदाम हुसैन के ऊपर और इराकी पीपल के ऊपर जो है वो इम्पोज कर दी उनके ऊपर लागू कर दी जिसकी वजह से दोबारा आम आदमी जो इराकी लोग थे उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा अब इस अरसरे में क्या हुआ टू थाउजेंड थ्री में वॉर ऑन इराक अब इराक के ऊपर दोबारा हमले की तैयारी होने लगी किस वजह से सदाम हुसैन ने जब सरेंडर कर दिया तो उसके बाद उसने रिफ्यूज कर दिया कि ही डज नॉट वॉन्ट टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एसोसिएशन एंड एस कॉम यू एन एस कॉम वॉज द एसोसिएशन विच यूज टू वर्क विद द विदोमिक वेपन और द न्यूक्लियर वेपन इन दोनों इंटरनेशनल एसोसिएशन के साथ सिंस हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर रहे हैं सदाम हुसैन रिफ्यूज टू कोऑपरेट जब उसने इनकार कर दिया कि वो इनके साथ किसी भी किस्म की कोई भी कोऑपरेशन नहीं देगा तो अल्टीमेटली क्या हुआ ब्रुटैलिटीज बढ़ती गई छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए कॉन्फ्लिक्ट ने ऐसा रुख इख्तियार कर लिया कि जहां सदाम हुसैन और उसकी फोर्सेस दे वांटेड टू प्रूव दैट दे आर पावरफुल सो दे वेंट ऑन इफेक्टिंग पीपल हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैविंग फाइट्स दिस लेट टू द अनफेटफुल इवेंट्स ऑफ इलेवन सप्टर टू थाउजेंड वन अब इसकी वजह से इराक फोकस में दोबारा वापस आ गया इतने सालों से वहां पर अब और कुछ नहीं हो रहा था छोटी मोटी चीजें होती थी लेकिन टू थाउजेंड वन में बिकॉज ऑफ दिस अनफेटफुल इंसिडेंट द इराकट्री दैट केम बैक इन टू द फोकस अब हुआ क्या वेन इट केम बैक टू द फोकस तो यूएसए और यूके उनके पास अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली या अपने अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन थी कि इराक के पास डब्ल्यू एम डीज हैं नाउ वॉट आर डब्ल्यू एम डीज डब्ल्यू एम डीज आर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन अब वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ऑब्वियसली वो न्यूक्लियर वेपन को ही कंसिडर कर रहे थे और उनको ये सबसे ज्यादा डर था कि इनके पास डब्ल्यू एम डीज हैं अब सिंस दे हैड द फियर दूसरा उनका मोटिव भी था कि उन्होंने इराक कंट्री के ऊपर अटैक uh, करना ही था सो यूएसए लॉन्च इट्स स्ट्राइक्स ऑन इराक इन टू थाउजेंड थ्री ये मार्च में स्टार्ट हुई थी एंड दे एंडेड इन अप्रैल। जब ये स्ट्राइक स्टार्ट हुई और इतने लंबे अरसे के लिए रही तो इसका नतीजा भी एक फिर हुआ और वो नतीजा क्या था सदांस रजीम वॉज ओवर थ्रोम सदाम हुसैन का जितना भी कंट्रोल था उसको खत्म कर दिया गया लेकिन जो दूसरी बात थी जो कि हैरानगी वाली भी थी वो ये थी कि नो डब्ल्यू एम फाउंड। जब डब्ल्यू एम डीज नहीं मिले तो फिर ये बात क्वेश्चन लेस हो गई कि ये अटैक किया क्यों गया इराक को इंटायरम गवर्नमेंट के अंडर यूएस फोर्स के अंडर दे दिया गया बिकॉज ऑब्वियसली उन लोगों ने अटैक किया था तो उनकी ही इंटायरम गवर्नमेंट बनी थी इंटायरिंग गवर्नमेंट होती है वो टेम्प्री गवर्नमेंट जो कि तब तक वहाँ रहती है जब तक कि एक न्यू गवर्नमेंट वहां पर नहीं आ जाती विच इज गोइंग टू बी देयर इन फॉर फाइव ईयर्स और uh, जो भी टेन ओवर वो कंट्री डिसाइड करता है जो भी टाइम पीरियड अब जब इराक उस प्लेस्ड अंडर द इंटायरम गवर्नमेंट सदाम को पकड़ लिया गया वो छुपा रहा काफी अर्से तक फिर वो नौ महीनों के बाद उसको निकाला गया वो एक अंडरग्राउंड जगह में छुपा हुआ था ही वॉज ट्राइड इन टू थाउजेंड सिक्स ऑब्वियसली उसको कैद किया गया उसको कोर्ट में ले जाया गया उसकी ट्रायल की गई एंड लेटर ही वॉज एग्जीक्यूटेड एज ही वॉज फाउंड गिल्टी फॉर मर्डर्स ऑफ सिविलियंस ऑब्वियसली जब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की गई और वो मुजरिम साबित हुआ तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया नाउ अब फिर वक्त गुजरा हुआ ये कि इराक में सिविल और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्स बढ़ते गए आहिस्ता जिसकी वजह से वहां पे सुसाइड बॉम्बिंग्स भी मिसैकर भी हुआ अल्टीमेटली 2009 में ब्रिटिश फोर्सेस और यूएस फोर्सेस उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया दे मूव बैक टू देयर कंट्री लेकिन इस अरसे में जो डैमेज था वो सिर्फ और सिर्फ ordinary people. आम आदमी का हुआ किलिंग्स हुई लोग मारे गए अब अगर आप देखें तो जब हम पैलेस्टीन दिस, डिस्कस कर रहे थे तो उसका भी ओवर द टाइम पीरियड उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से एंड सिंस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट को सी तरह से हैंडल किया नहीं जा रहा था जिसकी वजह से बात खत्म नहीं हो रही थी और बढ़ती जा रही थी उसी तरह इधर इराक और ईरान की कंडीशन में भी यही हुआ कि बात बढ़ती गई कॉन्फ्लिक्ट को सही तरह से हैंडल नहीं किया गया कभी कोई सोल्यूशन निकला कभी कोई सोल्यूशन निकला कभी सौदाद हुसैन ने हमला कर दिया कभी यू ने और यूएस ने हमला कर दिया अब इन सब की किस बात पर टक्कर हो रही थी एवरी वन वॉज ट्राइंग टू शो दे पावर वो ये फियर शो करके रिमेंबर जब हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया था कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है कि एक डर बैठ जाना कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं सो वर टू साइड्स वेर इराक सदाम हुसैन एंड द अदर वन विच वॉज यूएसए यूके एंड फ्रांस तो ऑब्वियसली सदाम हुसैन हैड सिंपल मैन पावर और उधर से विद वीज कंट्रीज दीज वेस्टर्न कंट्रीज दे हैड अ लॉट ऑफ मशीनरी सपोर्टेड सो बात बढ़ी वॉर्स हुई एंड अल्टीमेटली यूएसए एंड यूके वन बट वॉट दे डिड वॉज कि उन्होंने उस कंट्री की बाउंड्रीज को छोड़ दिया एंड दे मूव्ड बैक अब हम आगे बात करते हैं बॉस्तिया की जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं बॉस्निया की लोकेशन जियोग्राफिकल ओवर द वर्ल्ड मैप बॉस्तिया बेसिकली एक स्मॉल कंट्री है इन साउथ ईस्ट यूरोप नोन एज बालकानस अब ये कंट्री इज ऑक्यूपाइड बाई होम इसके अंदर रहने वाले कौन है इसके अंदर रहने वाले हैं मिक्सचर ऑफ नेशनैलिटीज एंड रिलीजन्स अब मिक्सचर ऑफ नेशनैलिटीज एंड रिलीजन की जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट मुस्लिम्स, वी टॉक अबाउट क्रिस्टियस वी टॉक अबाउट रोमन्स एंड वी टॉक अबाउट द कैथलिक्स सो डिफरेंट नेशनैलिटीज डिफरेंट रिलीजन्स दे वो फाउंड टुगेदर इन बॉस्निया अब बॉस्निया की भी जोग्राफिकल हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी एक जगह से इट वॉज एन एरिया विच वॉज सेटल्ड बाई स्लैव पीपल स्लैव पीपल कौन थे दे वर द ग्रुप ऑफ पीपल हु इंक्लूडेड रोमन्स और सेवन सेंचुरी में ये जगह जो थी वो आबाद हुई थी फिर सेवन्थ सेंचुरी के बाद इट वॉज अंडर रोमन्स 1463 में जब मुस्लिम्स वर एक्सटेंडेड देयर एम्पायर इन फैक्ट द ऑटमन एम्पायर द टर्क बेसिकली बाय नेशनैलिटी दे वर एक्सटेंडिंग देर एम्पायर दे टुक अप दिस बॉस्निया इन फोर्टीन सिक्सटी थ्री एंड इट रिमेंड अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर द टर्किश एम्पायर टिल एटीन सेवनटी एट अब ये तो हो गई बात बॉस्तिया के जोग्राफिकल लोकेशन की और कैसे ये आबाद हुआ अब हम आगे अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे बॉस्तिया के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ कैसे वहां पर भी बात बढ़ी और हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि कश्मीर जो कि एक बहुत बड़ा अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है टिल टुडे जिसके मामले में हमारा कोई भी डिसीजन अब तक नहीं हो सका वो असल में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ किन रीजंस की वजह से वो बात बढ़ी और आज तक उस पर अब तक कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया जा सका ओके okay, स्टूडेंट्स हम अगले लेसन में इस चीज को देखेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि ओवरऑल वर्ल्ड पे जब ये सारे कंट्रीज साथ में चल रहे थे एक दूसरे के तो ड्यूरिंग दिस टाइम पूरी दुनिया में क्या लोकेशन आ रही थी थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर